शाम को पहनोगे ना तो देखना आपकी पैंट सरकती रहेगी। ओए मंगलू। जी पाजी। ओए मंगलू इसे ले जाके घर के अंदर बंद कर, नहीं तो मेरा गैरेज बंद करवा देगा ये, लेके जाए इसे। चल। आओ आओ चोपड़ा साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके। पाजी वो मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स टूट गई हैं, जरा चेंज करा दें, मुझे अभी पालघर जाके रात को वापस आना है। वैसे चोपड़ा साहब, कांच का टूटना बहुत शुभ माना जाता है, आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये सब कहावत है सिंह साहब, अगर ऐसा होता तो मैं शीशे के घर में रहता और हाथ में पत्थर लेकर घूमने वाले हर पागल से पंगा लेता। ये तो अपना अपना मानने का तरीका है जी, जो शुभ मानता है उसके लिए शुभ होता है और जो अशुभ मानता है उसके लिए अशुभ होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आइए चोपड़ा साहब, जब तक गाड़ी का काम होता है हम ऑफिस में बैठते हैं। चलिए। कर रहा है परेशान है।
हमारी बस फंसी हुई है, प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज। चलो चलो बच्चों, चलो बस के बैठ जाओ, चलो जल्दी जल्दी, कम ऑन, हरे आप। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंडा है। फाटक वहां टूटा है और कार जलकर यहां पड़ी है। ड्राइवर की मौत भी जलकर हुई है। मिस्टर मेहता। यस सर। पूरे स्पॉट की फॉरेंसिक जांच एक्यूरेट और डिटेल्ड होनी चाहिए। जी सर। यह दुर्घटना इस फाटक की वजह से हुई। कार का ब्रेक फेल था, वो फाटक तोड़कर ट्रेन से टकराई और ब्लास्ट होकर मैदान में जा गिरी। तुम गेटमैन हो, तुम्हें पता भी नहीं चला? अगर यहाँ फ्लाई ओवर होता तो कार ट्रेन से नहीं टकराती ना। क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर क्यों नहीं बनवाते तुम लोग? हवलदार साहब, पैसे कहाँ हैं?
रेलवे घाटे में चल रही है। मैं भी ट्रेन में सफर करता हूँ। दो दो महीने पहले टिकटों की बुकिंग हो जाती है। 40 सीट के डिब्बे में 240 पैसेंजर भेड़ बकरी की तरह भरे जाते हैं और कह रहे हो घाटे में चल रही है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हो? सरकार को बताइए। कहाँ है सरकार? बुलाओ।